चौथी जी मर्सिडीज हमने करनी है ये है जी GLE 350 है। वैसे स्पेशलिटी इसकी यही है कि ये 35,000 चली सिर्फ। बहुत सब गए जी कितना सारे होप करता हूँ सभी लोग बहुत वधिया होंगे। तो जी बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो जी आप देख सकते हो पीछे आज मोटर जंक्शन पे फिर से हम आए हैं और भाई हमारे साथ हैं। कैसे भाई क्या हाल है? बढ़िया जी बहुत बढ़िया। तो जी आज हम बहुत सारी लग्जरी गाड़ी कवर करने लगे हैं। नॉर्मल से ज़्यादा पूरे जलंधर में मेरे ख्याल से इतनी लग्जरी गाड़ियाँ किसी के पास नहीं है। सही बात है। तो इसलिए यार मोटर जंक्शन पर हर बार हम आते हैं लग्जरी गाड़ी कवर करने। चार पांच तरह की बीमर खड़ी हैं, चार तरह की ऑडी खड़ी हैं, रेंज रोवर खड़ी है, मर्सिडीज GLE खड़ी है, ML खड़ी है, मतलब वहाँ पर वैरायटी मिनी कूपर भी खड़ी है। दो तरह की हमारे पास कन्वर्टेबल गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं ना, तो रेंज रोवर भी खड़ी है, बहुत सारी गाड़ियाँ। तो ऐसा करना वीडियो को हम करते शुरू, हर एक गाड़ी की आपको एक करके डिटेल देंगे, बहुत सारी गाड़ियाँ क्योंकि। तो वीडियो को एंड तक देखना, कोई डिटेल मिस ना हो जाए, तो कोई भी डाउट हो तो नंबर आपको मैं दे दूँगा। बाकी जी मोटर जंक्शन की जी लोकेशन है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बाकी हो भी है नहीं, उससे मेन मॉल टाउन के अंदर हमें मोटर जंक्शन आपको मिल जाएगा। गूगल पे आप सर्च भी करोगे तो भी अवेलेबल हो जाएगी। तो जी यहाँ पे देखो चार मर्सिडीज़ लगी हुई हैं, ML 350 है, फिर GLE 250 है, फिर ML 350 है, फिर उसके बाद एक GLE 350 लगी हुई है। मतलब चार तरह की अलग अलग वेराइटी हैं, 15 मॉडल भी हैं। तो दो 15 भाई 216 है ना। तो ऐसे करते शुरू करते भाजी, ये है ML 350, इसकी थोड़ी बताओगे ज़रा? 2015 मॉडल है। ओके जी। और 60,000 किलोमीटर ड्रिवन है। ओके ठीक है, 60,000 किलोमीटर ड्रिवन रहेगी ये वाली गाड़ी। आप देखो आपको हल्का सा इंटीरियर की झलक, ओके 60,000 ड्रिवन है। तो आपको हल्के से इंटीरियर की झलक दिखाता हूँ। बहुत ही प्यारा ब्लैक एंड ब्राउन का कॉम्बिनेशन वाला इंटीरियर है। बाकी कोई भी डाउट के लिए आप सीधा आ सकते हो। बाकी जो ये जो प्राइसिंग रहेगी इन गाड़ियों की, ये सारी प्राइसिंग के लिए आपको कॉल करना है। इस बार हमने प्राइसिंग सोचे नहीं बताऊँगा क्योंकि हर वीडियो में प्राइसिंग जरूर बताता हूँ, इसमें नहीं बताएंगे। तो भाई नेक्स्ट हमने करनी है GLE 250 ना। तो जैसे आपने बताया था 15 मॉडल, मतलब 2015 में ML को कन्वर्ट करके इसमें 16 में आके GLE कर दिया था इसको। तो भाई ये कितना मॉडल है? 2016 मॉडल है। ओके। ये ML का जो फेसलिफ्ट आया था ये GLE हो गया। GLE हो गया था, ठीक है। ये 250 है GLE 250। तो भाई कितने को चली रहेगी ये? 80,000 चलेगी। 80,000 चलेगी। इसका मैं अंदर से हल्का सा दिखाता हूँ आपको। इसमें जो आएगा आपको बेज का कॉम्बिनेशन आएगा ज़्यादा, उसमें ब्लैक का कॉम्बिनेशन था, इसमें जी बेज का है। सारा इंटीरियर चेंज है। आ देखो बहुत सुंदर इंटीरियर कर दिया पहले से। तो उसमें क्या था कि उसमें इंटीरियर दूसरा पुराना आता है, इसमें GLE के अंदर नया इंटीरियर था प्लस न्यू लाइट थी, उसमें ओल्ड लाइट थी, ठीक है। देन जी एक और ब्लैक कलर की यहाँ पे ML 350 खड़ी है भाजी। ये भी 2015 मॉडल है। तो ये कितने चली होगी? ये चली है 84,000। ओके, ये 84,000 चली हुई है। तो जैसे आपको बताया हर एक गाड़ी का जो प्राइस है उसके लिए हमें कॉल करना पड़ेगा ना, तो कोई भी कॉल करके आ सकता है। तो इसका भी अंदर से दिखाता हूँ आपको। जैसे आपको पिछली जो ML दिखाई थी उसमें ब्लैक का कॉम्बिनेशन था, ये वाली ML के अंदर बेज का कॉम्बिनेशन है। आप देखो बहुत ही प्यारी गाड़ी है, सनरूफ वगैरह मतलब A to Z हर एक फैसिलिटी है, क्योंकि ऑब्वियसली मर्क है ये, तो सारी ही फैसिलिटियाँ आपको मिल जाएंगी। बहुत ही प्यारा ब्लैक कलर है। आप कभी भी फ़ोन कर सकते हो, आ सकते हो, पता कर सकते हो। तो जी चौथी जी मर्सिडीज़ हमें करनी है ये है जी GLE 350 है वाली। तो काफ़ी अच्छा वेरिएंट है। सबसे स्पेशलिटी इसकी यही है कि ये 35,000 चली सिर्फ, और विद कंपनी रिकॉर्ड भाजी, कोई दिक्कत नहीं। सारा कंपनी रिकॉर्ड है, कंपनी रिकॉर्ड सारा। सारी गाड़ियों जो खड़ी हैं सभी का कंपनी रिकॉर्ड है। ओके, पूरा A to Z कंपनी रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा। तो भाजी मॉडल कौन सा है? 16 ही मॉडल है। ओके, ये 350 है। ओके, 2016 भाजी सिर्फ 35,000 चली है ना। तो उसके हिसाब से देखो कम चली है, उसके हिसाब से देखो इंटीरियर बहुत फ्रेश है इसका। आ देखो काफ़ी सुंदर है। आ देखो सनरूफ भी ऊपर है, मतलब A to Z फीचर प्लस जी इंटीरियर बहुत साफ है। तो आपको कम चली गाड़ी बहुत अच्छे प्राइस रेंज में मिल जाएगी। प्राइसिंग की मैंने आपको पहले भी बताया था, प्राइसिंग हम इसकी नहीं बताएंगे, उसके लिए आपको कॉल करना पड़ेगा। जी यहाँ पे हमारे पास ऑडी का एक टॉप एंड वेरिएंट भी खड़ा हुआ है जो कि A8L है। आ देखो साइड से काफ़ी ह्यूज और लंबी गाड़ी है, और स्पेशलिटी इसकी क्या है कि एक बिजनेस क्लास कार है। मैं अभी अल्ट्रा वाइड में वीडियो बना रहा हूँ तो आपको मैं इंटीरियर खुद दिखाता हूँ उसका। आ देखो वाओ, इंटीरियर चेक करो ज़रा, आपको पता लगेगा। आ देखो ये ऑडी A8L का यही जलवा है। आ देखो इंटीरियर्स कितने सुंदर हैं, और खुली डुली गाड़ी है, बहुत ज़्यादा अच्छी खासी बड़ी गाड़ी है ये, स्पेशली बिजनेस क्लास वाले बंदों के लिए है। मस्त, मतलब पीछे का जो इसका एक्सपीरियंस रहेगा वो आगे से भी बेटर है। दो स्क्रीन्स लगी हुई हैं, यहाँ पे सारा का सारा कंट्रोल मिल जाता है। इवन कि यहाँ पे AC का फीचर भी, मतलब अपना फ्रिज भी है। आप देखो ये फ्रिज यहाँ पे लगा हुआ है,
और ये गाड़ी देखो, दो सनरूफ इसके अंदर आपको, पैनोरामिक सनरूफ जिसको हम बोल देते हैं, वो आपको मिल जाती है और काफ़ी अच्छी गाड़ी है। इस गाड़ी को आपको अंदर से दिखा दिया है। इसके बाद भाई डिटेल की बताओगे, थोड़ा डिटेल क्या है इसकी, कौन सी ईयर की है? 2014 मॉडल है। ओके, मैन्युफैक्चरिंग ईयर इसका 2014 है। ओके, और 50,000 किलोमीटर ड्यूरेबल है, तो बहुत नॉर्मल 50,000 चली हुई है। बाकी जैसे आपको बताया, प्राइसिंग नहीं बता रहे, कोई भी कॉल कर सकता है, आ सकता है, विजिट कर सकता है, तब पता लग जाएगा। आपको शुरुआत में भी बताया ही था कि दो कन्वर्टेबल गाड़ी आपको दिखाने लगे हैं। शॉर्ट आपको मैंने दिखा दिया, देख लो, यहाँ पे Z4 खड़ी हुई है, 2011 मॉडल है, पेट्रोल वेरिएंट है, सिर्फ 33,000 किलोमीटर्स ड्रिवन है, सिर्फ 33,000, जो बहुत नॉर्मल है। और इसके बारे में भी आप पता कर सकते हो, प्राइसिंग पूछ सकते हो, फोन नंबर आपके सामने है, देख लो, इंटीरियर देख लो, रेड का कॉम्बिनेशन है, बहुत ही प्यारा। आप आओगे, आप चलाओगे, आपको फील ही नहीं होगा कि ये 2011 मॉडल है, बहुत ही क्योंकि सुंदर है और उसके हिसाब से बनी हुई है। कन्वर्टेबल भी आपको करके दिखाई मैंने, तो सिर्फ 33,000 चली है, 2011 मॉडल, पेट्रोल वेरिएंट। एंड कोई भी क्वेरी आपको है तो आप पता कर सकते हैं। इसको हम रैप करने लगे हैं, तो आ सुनिए आवाज़ ज़रा। तो आ देखो जी, यहाँ पे खड़ी जी मिनी कूपर खड़ी हुई है, जलंधर का ही नंबर यहाँ पे लगा हुआ है इस गाड़ी को, लाल रंग की, बहुत प्यारी। सबसे बड़ी बात, कन्वर्टेबल गाड़ी जो सॉफ्ट टॉप होती है, ये सॉफ्ट टॉप फुली कन्वर्टेबल है। और 2005 के डी 11 मॉडल, सॉरी 2013 मॉडल यहाँ पे है अवेलेबल। तो कितने को चली है ये? ओके, 29,000 सिर्फ ये गाड़ी चली हुई है और बहुत ही नॉर्मल चली हुई है। और एक फेमस यूट्यूबर के पास थी पहले ये गाड़ी, जो कि बहुत बढ़िया है। उसके अलावा चलते हैं जी, एक यहाँ पे रेंज ओवर स्पोर्ट भी खड़ी है, बहुत प्यारी, बहुत तगड़ी गाड़ी है और एयरमेटिक सस्पेंशन के साथ है ये वाली जो गाड़ी है। तो भाजी, एक कड़ा मॉडल रहेगा रेंज ओवर का? 2012 मॉडल। ओके, 2012 मॉडल है। तो कितनी को चली रहेगी इसकी? ये चली 65,000। ओके, 65,000 अप्रॉक्स ये वाली गाड़ी चली हुई है। इसके अलावा इसकी वैसे जितनी भी रील आप बनाते हो ना, इंस्टाग्राम पे डालते रहते हो ना, तो इंस्टाग्राम पे आपको सारी रीलें मिल जाएंगी इस गाड़ी की। बाकी बहुत ही ह्यूज और बड़ी गाड़ी है, आप आओ विजिट करो, देख सकते हो, प्राइसिंग वगैरह के लिए आप कॉल कर सकते हो। आ देखो जी, यहाँ पे दो बीमर और खड़ी हैं, दो ऑडी खड़ी हुई हैं। तो भाजी यहाँ से शुरू करते हैं, उसका ऊपर ऊपर से बताते हैं। तो भाजी एक केडी मॉडल रहेगा? 2010 मॉडल है। ओके, 2010 मॉडल है, तो 5 सीरीज है ना भाजी? 5 सीरीज। तो 2010 5 सीरीज। तो भाई कितने को चली रहेगी ये? चली है कोई 49,000। ओके, 49,000 के अप्रॉक्स हम मान लेते हैं, उतनी चल चुकी है। तो अगली भी 5 सीरीज है भाजी, ये कड़ा मॉडल है? ये 2011 मॉडल है, ये चली हुई है कोई 60,000। ओके, 60,000 चली है, 2010 मॉडल है, वो 11 था, ठीक है। तो आज देखो जी, यहाँ पे दो ऑडी A6 भी खड़ी है भाजी, आ वाला कड़ा मॉडल रहेगा? 2012 मॉडल है। तो भाई कितने को चली रहेगी? ये 63,000 चली हुई है। उसके बाद यहाँ पे ऑडी A6 खड़ी है वाइट कलर में, तो भाजी आ वाला कितना मॉडल है? ये 2012 मॉडल है। ओके, ये 39,000 चली है। 39 चली है। देखो जितनी भी आपको गाड़ियाँ दिखाई हैं, सबके प्राइस के लिए आपको भाजी को कॉल करना पड़ेगा, या फिर कोई भी मोटर जंक्शन पे आ सकता है, देखो पीछे लगा हुआ है। बाकी गूगल मैप्स पर अपनी लोकेशन भी है, वो भी हम दिखा देंगे। हाँ जी, भी तो अभी सारी गाड़ियाँ आपको दिखा दिया, थोड़ी सी अगर वीडियो में ना हौच पहुँच हुई, क्योंकि थोड़ा यहाँ पे रश थोड़ा ज़्यादा था आज, ट्रैफिक काफ़ी था, ट्रैफिक भी था, प्लस यहाँ पे आपको तो लोग आते ही रहते हैं। आप देखो गाड़ियाँ जिस हिसाब से हमारे पास खड़ी हुई हैं, लोगों का आना जाना बहुत लगा रहता है, इस वजह से थोड़ा सा था। तो सॉरी प्राइसिंग के लिए, क्योंकि प्राइसिंग देखो ना भाई फ्लक्चुएट होता रहता है ना डिफरेंट, तो इसलिए हमने प्राइस नहीं बताया। कोई भी कोई दिक्कत नहीं, आप फ़ोन करोगे तब तो प्राइस पता लग जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी भाई अपना कूल रोड के ऊपर है अपना मोटर जंक्शन ना, कूल रोड पर अवेलेबल है, नारायण दास के बिल्कुल साथ में। उसके अलावा गूगल मैप्स पर लोकेशन है, सामने फ़ोन नंबर है, कोई भी डिटेल पूछनी है हर एक आपको मिल जाएगी, हर एक गाड़ियाँ विद कंपनी रिकॉर्ड हमें मिल जाएगी, ये गाड़ियाँ कंपनी रिकॉर्ड के साथ, विदाउट कोई ऐसी कोई दिक्कत वाली गाड़ी नहीं है। उसके अलावा बहुत सारी गाड़ियाँ, और अगर कोई भी डिमांड करोगे आपको वो भी मिल जाएंगी ना। बिल्कुल, तो डिमांड पे भी आपको सारी गाड़ियाँ मिल जाएंगे। बाकी वीडियो को भाई करें एंड, तो जी आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, तो ऐसे सपोर्ट कर देना। तो चलो भाई, ओके बाय।